और ये सोफा साफ करो इसे, पता नहीं ठीक से करो मेरी मेकअप। मेरा भी पफ दे दो, 2 घंटे से बैठी हूं मैं। दो शीशा। सर एज पर रिक्वायरमेंट सब चीजें रेडी हैं, बस वो इशानी मैडम आ जाए। मैडम आ जाए, पता नहीं कब आएगी। जाओ जाकर देख कर आओ। सर जब वो आएंगे हमें पता चल जाएगा। सर पता नहीं कब आएगी, सबकी बैंड बजी पड़ी है, महारानी पता नहीं कहाँ रह गई है। हेलो ईशानी मैम, मेकअप रूम रेडी है मेरा? हाँ मैम, जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, और आपका फेवरेट रूम फ्रेशनर भी है। और एक काम करो, डायरेक्टर को जाके बोल दो कि 2 से 3 घंटे तो लगते ही हैं, राइट? और मेरे मूड के ऊपर है कि मैं खुद ही रेडी होके सेट पे आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है मैम। चलो सर। सर, ईशानी मैडम आ गए हैं। आ गए? बीबू जी, देख महारानी के तैयार होते ही आज का पूरा शॉट उसको अच्छे से समझा देना। जी सर। ठीक है, मैं उसके नखरे नहीं झेल सकता। यस सर। सर अगर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया तो खा लेना एक थप्पड़। स्पॉट सुन, ईशानी मैम का जूस और लो कैलोरी दही जल्दी से लाना, नहीं तो वो शूट कैंसिल कर देगी। सुनो, क्या मतलब है ये सब का? तुम लोग इधर उधर भाग रहे हो जैसे कि पता नहीं कोई शेरनी आ गई है। जाओ जल्दी से जाकर ईशानी को रेडी करवाओ। अब भी मैं डायरेक्शन टीम को बोल के आती हूँ। माना कि ईशानी बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन हम भी उसके नौकर नहीं है। वही तो, सुबह के 9 बजे से हम रेडी होकर वेट कर रहे और वो अभी तक नहीं आई। इतना वक्त हो गया, 3-4 बार टचअप हो चुका है। तो क्या करूं यार, एक तो विराट सर ने इस नकचड़ी को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के मेरे सर पे दर्द करके रखा है, और ऊपर से तुम लोग मेरे सर पर चढ़ रहे हो। प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट यार। कोऑपरेट माय फुट। मैं ईशानी के नखरे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं विराट सर के चेक्स वापस कर दूंगी, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। बाय। अरे रुके, अरे सर आप ही रोके समायरा जी को। अगर आज शूट नहीं हुआ ना तो विराट सर सबके छुट्टी कर देंगे। सर जाने दे उसको, एक ही शानी 100 सुमेरा के बराबर है। बीबू बहुत देर होगी, देखना कहां पर है, बुला उसको। सर वो सैंडल उतार के मारेगी मेरे मुंह पे। लिख के ले लो, वो वापस नहीं आने वाली है। ईशानी की नखरे ही एक दिन उसे ले डूबेंगे। अरे तू जा उसको बुला के ले, जा जा। अरे जा ना। जा रहा हूं सर। Ah!
मैम मैम आप रेडी हैं तो मैं अंदर आ जाऊं? मैडम भाग जाओ यहां से वरना तेरा पैर तोड़ दूंगी। नहीं, उसने कहा भाग जा तो भागकर मेरे पास आ गया, अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उनके बिना बोले मैं अंदर कैसे जाता? आप नहीं जानते सर, गला दबा देती वो मेरा। 3 घंटे से वो तैयार हो रही है, यहाँ शूटिंग का टाइम निकला जा रहा है, तुझे अपने गले की पड़ी है। मैं देखता हूँ चलकर, चलो। ईशानी सर, सर प्लीज, मैम गुस्से में लगती है, शूट छोड़कर चली जाएंगी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ चुप रहो। ईशानी दरवाजा खोलिए, अभी सब नहीं चलेगा, प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे मैम ये हेड क्यों पहनी आपने? ये तो ब्रीफिंग में है ही नहीं। मैम ऐसे बैठे क्यों हैं? क्या अकड़ है इस औरत के अंदर? ईशानी जवाब दो, हमारी तरफ देखो। ईशानी ईशानी कभी काम नहीं करूंगी मैं उस नकचड़ी ईशानी के साथ। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अरे इतना टेंशन क्यों ले रही है तुम? तुम देखना मैं तुम्हें इससे बड़ा काम दिलाऊंगा। मैं अभी मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि आज मैं लेट आऊंगी। ठीक है तुम मम्मी को फोन कर लो, हम तुम्हारा अंदर इंतजार करते हैं। ठीक है मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाँ सर, ये अजीबोगरीब मेकअप और ये लाल रंग की हैट भी रखी। मारने के बाद इतना मेकअप करता है कातिल, ये लाल रंग का हैट, बड़ा अजीब कैसे है? सर ये मेकअप और सारा कुछ उस कातिल ने ही किया है। अच्छा आखिरी बार कौन आया था ईशानी से मिलने? मैं गया था सर वहां पे, लेकिन उन्होंने अंदर से ही बोल दिया कि भाग जाओ वरना तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। टांगे तोड़ दूंगी क्यों सर? एक्चुअली ईशानी अपनी मर्जी की मालकिन थी और वो अपनी मर्जी से ही शूटिंग पर आती थी, अगर गलती से भी उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो कभी भी शूटिंग छोड़कर चली जाती थी। सर इसका मतलब काफी लोग होंगे जो ईशानी को नापसंद करते होंगे। ईशानी क्या हो गया? ईशानी को किसने किया ये सब? आप कौन है आप? जी ये जो एड शूट हो रही थी ये मेरी एड है, मैं मालिक हूँ इस कंपनी। ठीक है इधर आइए थोड़ा। अच्छा बीबी तुम वापस कितनी देर बाद आए थे प्रीतम और लोगों के साथ? सिर्फ कुछ सेकंड्स में, अगर कहें ज्यादा से ज्यादा बस 1 मिनट। 1 मिनट में? 1 मिनट में इतना सब कुछ किया? सर सर 1 सेकंड, यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट मिला है और बाकी सब कपड़े ठीक है, मगर बस ये तो देखिए सर, ऐसा लग रहा है किसी ने कैंची से काटा है सर। और सर सर यहाँ पे खून मिला है सर। कातिल पहले से ही कमरे में मौजूद था। सर हो सकता है बीहू ने जो आवाज सुनी वो ईशानी की हो ही ना।
हो सकता है। क्या ईशानी से मिलने कोई आया था क्या? नहीं सर, और किसी को आते जाते नहीं देखा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी ईशानी के कमरे में पहले से ही छुपा हुआ था? एक्चुअली यही हुआ है, आदमी पहले से छुपा हुआ था, फिर वो खून करता है बेरहमी से, फिर इतना सारा मेकअप लगाता है, चेयर पे बैठाता है और लाल रंग की हैट पहनाता है। सब करने में टाइम तो गया ही होगा। सर ये देखिए, ईशानी का टॉप भी कटा हुआ है। इसे भी काटा गया है, उधर भी कपड़े कटे हैं, इसका टॉप कटा है, लगता है ये जानबूझ के किया गया है। सर ये कॉटन शॉप लगता है मेकअप करने में इस्तेमाल किया गया है। वंश, ये सारी चीजें और बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजो, तब तक हम लोग जरा बाहर देखते हैं। सर बहुत ही अजीब बात है, किसी ने भी खूनी को आते जाते देखा ही नहीं। आने जाने की तैयारी पहले से कर रखी थी खूनी ने, ना काम किया और निकल भागा। सर ऐसी कैसी तैयारी की होगी कि यूनिट के किसी भी मेंबर ने उसे नहीं देखा? इतना हंगामा हो गया यहाँ पे और ये बेटा सो रहा है। जी सर, यहाँ से किसी को आते जाते देखा तुमने? साहब मैं तो अभी 5 मिनट पहले ही आया हूँ। 5 मिनट पहले? ये शूटिंग का टेम्पो है ना? हाँ साहब, ये शूटिंग का ही टेम्पो है। तो ये टेम्पो अभी बाहर कब गया था? साहब यही कोई 1:30-2 बजे के आसपास। 1:30-2 बजे? सर उसी दौरान तो ईशानी का खून हुआ था। जब टेम्पो बाहर गया था तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं। अच्छा पीछे कोई बैठ कर गया था, तुमने किसी को आसपास देखा? मैडम पीछे तो सामान रहता है, अब पीछे कोई बैठा हो तो मैंने नहीं देखा। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है खूनी के यहाँ से निकलने का? पीओपी का टुकड़ा, ये यहाँ क्या कर रहा है? शूटिंग में तो कहीं भी धूल मिट्टी थी नहीं। ये मिट्टी का टुकड़ा कहाँ से आया? साहब इसमें तो प्रॉपर्टी का सामान रहता है। प्रॉपर्टी के सामान और उसमें पीओपी का टुकड़ा, मतलब कोई और था यहाँ पे। हेलो, क्या कहाँ पे? आपने फोन किया था? जी सर, मैं मानिक हूँ, इस दुकान का मालिक। ये मेरे वॉचमैन ने फोन किया था आपको। ये देखिए ना सर, यहाँ लाश है। दुकान खोलो सर। जी सर। तुम यहीं रुको। जी सर। सर इसे भी बिल्कुल ईशानी की तरह मारा गया है। ये देखिए, किसी पतली धार वाली चीज से इसका गला काटा गया है। सर ये देखिए, इसका टॉप भी वैसे ही काटा गया है। इसका मेकअप निकालो, देखो कौन है ये। यस सर। ये लाश दुकान में आई कैसे? सर मुझे नहीं मालूम। दुकान तो बंद थी ना, आपने ताला खोला है, तो ये क्या लाश अपने आप आ गई यहाँ पे? सर मैं क्या बताऊँ, ये सब कैसे हुआ? ये लाल टोपी और इसके कपड़े भी मेरी दुकान की नहीं है, और मैं इस लड़की को तो पहली बार देख रहा हूँ। सर मेकअप निकल गया।
ये तो समायरा है ना, इसकी भी मॉडलिंग वाली फोटो हमने देखी थी वहां पे। हाँ सर। ये दुकान की चाबी आपके अलावा किसके पास रहती है? मेरी पत्नी सोनाली के पास, लेकिन वो तो पटना गई हुई है। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी में एक आदमी यहाँ पे खून करता है, उसकी लाश को यहाँ दुकान में रख दिया, क्या कर रहे थे तुम? कुछ देखा नहीं तुमने? देखा ना साहब, पर वो खूनी है ये कैसे पता चलता? हा? कैसा था वो? था नहीं साहब, थी वो एक औरत थी, उसे मैंने जाते हुए पीछे से देखा था, उसने लाल रंग का कोट पहन रखा था, उसके बाल लंबे थे और उसने सर पे एक लाल टोपी पहन रखी थी, और हाँ साहब, उसने डस्टबिन में कुछ डाला था। मतलब सर, खूनी एक औरत है? कहाँ है वो डस्टबिन जिसमें उसने कुछ डाला था? वो वहां। तो ये तो फिशिंग का सामान है, मछली पकड़ने का काटा वाटा। सर ये टंगूस पे खून लगा है। ओ, लगता है इसी का इस्तेमाल किया गया है खून करने में। भरे दिन के उजाले में शूटिंग पर कोई मेकअप रूम में घुसता है और ईशानी को मार डालता है, और तुम में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा और ना कुछ सुना है, ये कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली ईशानी की परमिशन के बिना उसके कमरे में कोई नहीं जाता था, इनफैक्ट उसने बीबू को भी दरवाजे के बाहर से ही भगा दिया, और उसके बाद जैसे ही हम लोग गए तो देखा वो मरी हुई थी। चलो सर, सर ये कास्टिंग डायरेक्टर है किकू। लेकिन सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने समायरा और ईशानी का गला थोड़ी काटा है। ए, चुप, तुम ही हो कास्टिंग डायरेक्टर हो ना, जो ईशानी और समायरा को जानते हो उनके मॉडलिंग के शुरुआत के दिनों से। जी सर। और विराज की शूटिंग पर तुमने ही भेजा था ना उन दोनों? हाँ सर। मतलब तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वो कब और कहाँ मिलेंगे? देखिए सर, गलती हो गई, अब मैं किसी को कहीं नहीं भेजूंगा। दरअसल 5 साल पहले ही मैंने वो काम छोड़ दिया था। 5 साल पहले काम छोड़ चुके? कुछ लड़कियों ने मेरे खिलाफ केस कर दिया था, उस वजह से मेरा ऑफिस भी बंद हो गया। तो फिर कल तुमने ईशानी और समायरा को विराज के शूट पर कैसे भेजा? दरअसल दोस्ती में विराज के शूट पर उनको भेज दिया था सर, लेकिन इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। फिलहाल तो हम मान लेते कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखो, अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को हम फिर से बुला लेंगे, जा सकते हो तुम। इन तीनों पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, देखो वो कहां कहां जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, क्या क्या करते हैं। सर लेकिन खूनी तो एक लड़की है ना? हाँ खूनी तो लड़की है, लेकिन फोन करने में किसी लड़के का भी तो इस्तेमाल हो सकता है। समायरा और ईशानी दोनों मॉडल्स थी, मॉडल लाल टोपी, मारने के बाद सफेद रंग का अजीब मेकअप, मारने के लिए फिशिंग का सामान, और फिर दोनों खून में सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। तो एक बात समझ में नहीं आई कि खूनी ने ये मछली पकड़ने का सामान क्यों इस्तेमाल किया खून करने के लिए? सर बहुत ही अजीब है ये खूनी, और एक ही दिन में दो दो मॉडल्स को मार डाला इसने। पता लगाना पड़ेगा कि समायरा और ईशानी दोनों मॉडलिंग के अलावा और कुछ करते थे या मॉडलिंग करने से पहले क्या करती थी, कहीं दोनों के बीच में कोई संबंध तो नहीं था, पता लगाना पड़ेगा। सर 2009 में समायरा और ईशानी ब्यूटी रिबन नाम की मॉडलिंग एजेंसी में काम करते थे, जिसका मालिक ये किकू था। किकू, कास्टिंग डायरेक्टर किकू, इस किकू के बंद पड़े ऑफिस में जाना पड़ेगा, देखना होगा शायद इसके बाकी मॉडल्स की भी जान को खतरा हो, और ये भी हो सकता है कि हमें
उस औरत के बारे में कोई सुराग मिल गया है। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। खून करने के लिए इस्तेमाल किया गया यह हथियार एक खास तरह का फिशिंग किट है। सर, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुना तारिका, लेकिन मैं फिलहाल किसी और काम में हूँ। क्या? खूनी का कद नापने में। अरे वाह संघे, खूनी के कद का पता लगा लिया तूने? हाँ बस एक मिनट जरा, ये दोनों के गर्दन का ये घाव देखो, बस ये घाव का निशान ऊपर की तरफ बना हुआ, ना तो सीधा है ना नीचे की तरफ, मतलब खूनी ने तार से इन्हें ऊपर की तरफ खींचा। इसका मतलब साफ है, खूनी की ऊंचाई इन दोनों से ज्यादा थी। मतलब सर वो खूनी औरत इन दोनों से लंबी है? बिल्कुल पंकज, और लगभग 5 फीट 7 इंच थी ये मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन मुझे बताती, इंक्लूडिंग वो जो सैंडल उसने पहने हुए थे उनके। एक बार हाथ में आ जाए ना तो ऊंचाई भी नाप लेंगे। 5 फुट 7 इंच की लड़की जिसके लंबे और सीधे बाल हैं। और सर, या तो उसे फिशिंग करने का, मछली पकड़ने का शौक था, या तो फिर किसी खास मकसद से उसने ये सामान, ये फिशिंग किट का इस्तेमाल किया होगा। संखे, लगता है इस मछली पकड़ने के तंगू से, इस तार से इन दोनों के गले को काटा है। बिल्कुल बस। डॉक्टर साहब, जो ब्लास्ट ऑफ पेरिस जैसी मिट्टी मिली थी हमें, उससे कुछ पता चला क्या? हाँ पता चला सचिन। बॉस, वो सामान मूर्ति बनाने के काम में आता। मूर्ति बनाने का? बॉस, टेस्ट चल रहे हैं, बाकी का भी पता चल जाएगा। तो कब बताएगा सारुखे? बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन एक खास बात और बताना चाहता। वो क्या है? बॉस, बॉस ये देखो, ये है वो तार जिससे खूनी ने इनका गला काटा। खूनी जब इनका गला काटने की कोशिश कर रहा था, इन लोगों ने अपने बचाव में हाथापाई की होगी। उसी झड़प के दौरान खूनी का पलक का एक बाल मुझे इस तार पर से मिला है। तो मतलब तू अब इस बाल का डीएनए टेस्ट करेगा, है ना? करना ही पड़ेगा। एक खूनी लड़की जिसका कद 5 फुट 7 इंच है, जिसके सीधे और लंबे बाल है, जिसे मछली पकड़ने का शौक है, और शायद मूर्तियां बनाने का भी। बस इतना भी काफी है हमारे लिए इस लड़की को ढूंढने के लिए। मछली पकड़ने का खास सामान लेके चलती है तो समंदर के किसी किनारे में कुछ तो पता चलेगा ही उसके बारे में। पर सर, हमें सिर्फ उसकी ऊंचाई, उसके काले सीधे बाल और उस टोपी के बारे में पता है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन के बलबूते पर उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है सर। कोशिश तो करनी पड़ेगी श्रेया, अपने आप तो चल के आएगी नहीं हमारे पास है। हाँ वंश, इन्हें बता दिया ना हमें किस लड़की की तलाश है? जी सर। हाँ तो क्या जानते हैं उस लड़की के बारे में आप? साहब, आप लोग ऐसी औरत के बारे में जानना चाहते हैं ना जो मछली पकड़ने के लिए बोट का इस्तेमाल करती है? बिल्कुल, ऐसी तो बहुत औरतें आती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, जिस लड़की की हमें तलाश है वो लंबी लड़की है, 5 फुट 7 इंच की होगी, लंबे बाल हैं, सीधे बाल हैं, और उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में। लंबे बाल, 25 से 30 साल की उम्र, ऐसी 2-3 लड़की आती है हमारे यहाँ पर। हमें उनके नाम और पते चाहिए। आप जब वोट देते हैं तो नाम पते तो लिखते होंगे ना? जी साहब। ये तीनों लड़की आती है 5-6 महीने से हमारे यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ। केशा, एनी, शिखा। केशा, एनी और शिखा, मिलना पड़ेगा इन तीनों लड़कियों से, देखते हैं इनमें से कौन है वो लाल टोपी वाली लड़की। सर, कीकू जी ने टैक्स की चोरी की थी
और कुछ लड़कियों के पेमेंट ना देने की वजह से इनकी शिकायत की थी, इसीलिए ऑफिस बंद हो गया। और इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है सर। इसका खून हुआ है वो 2008 में किकुजी की एजेंसी से ही लॉन्च हुई थी, इसलिए ये अभी शक के घेरे में है। विराज तुम ये बताओ कि तुमने तो किकुजी के साथ और उन मॉडल्स के साथ काम किया था, तो तुम्हें कभी लगा कि वो मॉडल्स किसी मुसीबत में है या फिर किकुजी के काम में कोई गड़बड़ है? मैं शानी और समायरा के साथ पहली बार काम कर रहा था, और जहाँ तक किकुजी की बात है तो पैसों के लेन देन में धांधली के अलावा इनमें दूसरी कोई कमी नहीं है। सर, तीनों मॉडल्स के कद रंग और बाल खूनी से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। एक काम करो, इन सबसे पूछताछ करो कि मॉडलिंग के अलावा ये लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये है कि आजकल इनमें से कहीं मॉडलिंग नहीं करती। एनी, 2012 में आप मॉडलिंग छोड़ चुकी थी। हाँ। अब आप क्या करती हैं? अभी मैं एक फिशरी स्टोर चलाती हूँ। शिखा, राइट? जी। आप एक प्रिंट मॉडल है ये तो हम जानते हैं, उसके अलावा क्या करती? मैं कुछ भी नहीं करती। और आप क्या करती हैं केशा जी? मैं मूर्तियां बनाती हूँ। मूर्तिकार, ठीक है, थैंक यू। तो बिल्कुल खूनी के प्रोफाइल जैसा है। कंपनी का नाम रेड इंक, मेरा शक सही है, इस एजेंसी के मॉडल्स का ही कुछ राज है। सर, एनी, केशव और डॉली, उन तीनों के प्रोफाइल्स कुछ उन्हीं से मिलते जुलते हैं। सर, इनका संबंध मूर्तियां बनाने और फिशिंग से भी है। तो इनका प्रोफाइल पेशा दोनों शक के दायरे में है। एक काम करो, इन तीनों को ब्यूरो लेके चलो। सर, खूनी की लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने थे उस तरह के कपड़े आ गए सर। वेरी गुड। पंकज, इन तीनों के नंबर्स है ना हमारे पास? यस सर। सेलफोन नंबर्स जरा ट्रेस करो, देखो जब उन दोनों लड़कियों के खून हुए तब ये तीनों कहां थी। यस सर। जयंती सर, ले जाऊं? जी, आप तीनों मेरे साथ आइए। कहां? अभी बताती हूँ, आओ। अरे साहब, ये तो वही कपड़े और टोपी है जो मैंने उस रात उस औरत को पहने हुए देखा था। तो फिर आप जरा ध्यान से देखो इसे, क्या ये वही लड़की है, वही औरत है जो उस रात खून कर रही थी? सर, मैंने उस औरत का चेहरा सामने से नहीं देखा था, उसे जाते हुए मैंने पीछे से देखा था। जाते हुए देखा? जी सर। ठीक है, केशा जरा वहां तक चल के दिखाओ। सर, ये कैसी जांच है आपकी? जितना कहा है उतना ही करो। नहीं साहब। नहीं नहीं। ठीक है, आप आइए मेरे साथ। रुको, वहां तक वॉक करके आओ। ये भी नहीं है सर। आइए। सर, इन्हें तो कपड़े काफी अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं। हाँ, दिख रहा है। तो बहनी जी, जरा चल के भी दिखाइए। यही है सर, बिल्कुल यही है सर। क्या बक रहे हो? सर, सर, जिस वक्त समायरा का खून हुआ था अनी का फोन उसी एरिया में था। सुना है नहीं? उसी इलाके में था तुम्हारा फोन जिस वक्त ईशानी और समायरा का खून हुआ था। तुम जा सकते हो। और मैं? आपको तो रुकना ही पड़ेगा। सर, मैं क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए
कि खूनी की चाल और तुम्हारी चाल बिल्कुल वही है। और तो और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा फोन उसी इलाके में मिला जहां पर इन दोनों लड़कियों का खून हुआ। सर इन सब का क्या मतलब है? आई मीन दो लोग एक जैसे दिख सकते हैं ना? और फिर वॉचमैन ने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरा चेहरा खूनी के चेहरे से मिलता है? लेकिन जिस वक्त खून हुआ उस वक्त तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन भी वही की बता रही है, और ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर उस वक्त सैकड़ों लोग उस एरिया में थे, तो क्या सब खूनी है? बस बस बहुत बोल दिया, बताओ क्यों किया खून निशानी और समारा का? सर आप मुझ पे दो दो खून का आरोप लगा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। अभी तो सिर्फ आरोप लगाया है, सजा मिलनी तो अभी बाकी है। सजा? जी सजा, खून की सजा फांसी। सर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, मैं बताती हूँ सर। बताओ। पर मेरी एक शर्त है। ये लो इनकी एक शर्त भी है, चलो बताओ क्या शर्त है। सर मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख रुपए? हाँ चलो दे दिए। अरे लेकिन तुम पैसों का क्या करोगी, तुम्हें तो सजा होने वाली है। आप वो सब छोड़िए, मैं आपको बता रही हूँ ना मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं तो सिर्फ उसे जानती हूँ जो खूनी को जानता है, और वो है? वो है शिखा। शिखा? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आप लोग पता कर सकते हैं ना? हाँ वो तो हम पता करेंगे। सर मेरे पैसे? पैसे? कौन से पैसे? सर अभी आपने बताया आप देंगे। कब? नहीं सर मैंने तो कुछ नहीं सुना। कब का? सर ये सरासर धोखा है। नहीं 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 एनी जी, हम कभी धोखा नहीं करते। हाँ धोखा जरूर करते हैं जब कोई कानून के साथ खिलवाड़ करता है, तब कभी कभी सीआईडी वाले धोखा देते हैं। ले जाओ इसे। सीआईडी फिर से? अब क्या कर दिया मैंने? आपने क्या किया है क्या नहीं ये तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन आप एक नंबर के झूठे हैं ये पता चल चुका है। क्या क्या मतलब है आपका? आपने कहा आप समायरा को नहीं जानते। 2009 में समायरा ने आपकी कंपनी रेडिंग के लिए मॉडलिंग की थी, सच है? रेडिंग? इसे कैसे ढूंढ लिया आपने? हमें पता चल चुका है 2009 के रेडिंग के फोटोशूट कैंपेन में ईशानी और समायरा दोनों ने मॉडलिंग की थी, है ना? मैम ये कंपनी मेरे नाम पे तो थी, लेकिन मैं इस कंपनी का मामूली सा छोटा सा पार्टनर था। आप इस कंपनी के असली मालिक से क्यों नहीं पूछते? असली मालिक कौन है? चैताली। आप उससे क्यों नहीं पूछते? चैताली? केस में पहली बार ये नाम आया। कहाँ रहती है वो? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर अगर सीआईडी को सच का पता चल गया तो बहुत बुरा हाल होगा मेरा। कौन है? ये लाइट क्यों बंद कर दी? ये लाइट्स किसने ऑफ की? शिका सच्चाई बता क्यों नहीं देती? सर पहले कुछ सच बता देती तो किसी की जान ही बच सकती थी। शिका? 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 शिखा? शिखा? नस कटी नहीं है। इशिता जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी। भाग गई, कोई बात नहीं, बच के जाएंगी कहाँ? सर कुछ जलाने की कोशिश भी की गई है,
शिखा इतना लंबा बाल शिखा का तो नहीं हो सकता। ओ, तो भागते भागते बाल छोड़ गई, देखते हैं कहां तक भागती है ये। आइए सर। सर मैं यहां तब से नहीं आया जब से मेरी और चैताली की हिस्सेदारी वाली कंपनी बंद हुई है। पता नहीं है वो कहां है। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। आ जाना थी सर, ये देखिए। ये तो उस खूनी का पहना हुआ है। सर इस बंद पड़े घर में यहां कैसे आ गया? सर निकालो इसे बाहर। ये चक्कर है सांखे, शिखा के घर की खिड़की से हमें एक बाल मिला है। जरा मैच करके देख पलक के बाल से। ये रहा वो बाल सर, उस खूनी लड़की का बाल। बॉस ये बाल हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार सबूत है। क्या मतलब? मतलब ये बॉस के खूनी के पलक का डीएनए रिपोर्ट आ चुका है। तो खूनी कोई लड़की नहीं है, खूनी एक आदमी है। एक आदमी है जिसकी उम्र 40 से 45 साल। ये टोपी, लंबे बाल, सैंडल, ये सब धोखा है। तो मतलब खूनी कोई लड़की नहीं बल्कि लड़की की भेष में आदमी है। ऐसा क्यों किया उसने? लड़की के भेष में क्यों? खून करने के और भी आसान तरीके थे उसके पास। लगता है ये खूनी कोई सरफिरा है। खूनी कोई सरफिरा नहीं, शैतान दिमाग का आदमी है ये। शैतान दिमाग का, सोच समझ के सब कुछ कर रहा है ये। एक काम करते हैं, जितने भी लोगों पर शक है ना सबको यहां बुला लो, सबका डीएनए टेस्ट करते हैं। आप बताते क्यों नहीं कि हम सब लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? ऐसी जगह लाए कि हमारा कोई टेस्ट होने वाला है और आप लोगों को हम सब पे शक है कि हमने खून किया है। लगता है हम सब बिना जुर्म के सजा भुगतने वाले हैं। बस बहुत हो गया, खूनी को ढूंढने का हमारे पास यही एक रास्ता है। और वैसे खूनी का बहुत ही खास सुराग मिला है हमें। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्या है, खूनी चाहे कितना भी होशियार हो, कितना भी चालबाज हो, कोई ना कोई क्लू हम लोगों के लिए छोड़ जाता है। और इस बार भी खूनी एक क्लू छोड़ गया है और वो क्लू है पलक का एक बाल। देखिए मैं ऑडिशंस लेता हूँ, लड़कियाँ सजती हैं, संवरती हैं, अपने पलकों को भी सजाती हैं, तो इन सब से हमारा क्या लेना देना? तुम्हें बड़ा यकीन है कि खूनी एक लड़की ही है? सबको मालूम है कि लंबे बालों वाली लड़की सबको मारती फिर रही है और आप। लेकिन हमें जांच तो पूरी करनी पड़ेगी ना सर। हमें करना क्या पड़ेगा सर? ज्यादा कुछ नहीं, आप में से हर किसी को अपने पलक का एक बाल देना होगा और जिसका डीएनए हम उस खूनी के डीएनए से मैच करके देखेंगे। और वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। जवंती लेकिन आ जाओ, चलो जाओ। अब देखिए प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे चक्कर आ रहे, मुझसे ये सब नहीं होगा। अच्छा तुम्हारी तबीयत भी अभी खराब होनी थी। सर आप इस जांच को बाद में भी कर सकते हैं। चलो प्रीतम मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो। और चैताली किसी हॉस्पिटल में है क्या? निकल। सही कह रहा हूं ना मैं, मिस्टर विराज या फिर चैताली का पति कहना बेहतर होगा।
चैताली कहाँ है बताओ? चैताली अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनकी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उन सबको, समायरा और ईशानी, उन दोनों को भी चैताली के पास पहुंचा दिया। और जिस लड़की शिका को आपने बचाया है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सीआईडी के सामने किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो मिस्टर विराज, बड़ी हिम्मत है। तुम्हारे घर में हमें पता चल गया था कि सारे खून के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, और अब डीएनए टेस्ट से प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं तो अपनी बीवी को इंसाफ दिलाना चाहता था, बस शिखा, समायरा और ईशानी, ये तीनों मेरी बीवी की खुदकुशी की जिम्मेदार थी, पर ये बात मुझे 5 साल बाद पता चली। इतने सालों बाद तुम्हें कैसे पता चला कि ये तीनों तुम्हारी बीवी के मौत के जिम्मेदार है? ये 2009 की बात है, चैताली ने द रेड इंक कंपनी में पैसा लगाया था, और ये तीनों लड़कियां उसके बराबर की पार्टनर थी। माणिक तो बस नाम का पार्टनर था इनके बीच, मैं उस वक्त यूके में था और इन तीनों लड़कियों को जानता भी नहीं था। लेकिन जब इनकी कंपनी नुकसान में चली गई, तो इन तीनों ने मेरी बीवी को कर्जे पर बकायेदारों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और उसे मरने पर मजबूर किया, और जब तक मैं उसके पास पहुंचता, उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मैंने एक औरत का वेश बनाया और अपना बदला लेना शुरू किया, ताकि आप लोग ये सोचते रह जाएं कि खूनी एक औरत थी। शिखा के घर जो जलाया था वो एक सबूत था, उसको मुझ पे शक हो गया था। माना कि उन तीनों की वजह से तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम कानून की मदद ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए तुम खून करने लगे। अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.